तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करें दैट टाइम आई गॉट रेन कार्ड स्लाइम्स इन टू के पार्ट टू के एपिसोड 3 के बारे में। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा स्टोरी प्रोग्रेस नहीं हुई है, इसलिए छोटी सी वीडियो होगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, लेट्स बिगिन। इसीलिए एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है यहाँ पे एपिसोड 2 एंड हुआ था। तो वो थी रैमरीज कैंटर के साथ। तो बेसिकली रैमरीज भी डीमन लॉर्ड थी, मतलब फेरी क्वीन थी साथ में। वो मैंने आपको उसका ऑरिजिन बताया था कैसे वो डीमन लॉर्ड बनी थी। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी लास्ट वीडियो के एंडिंग वाला पोर्शन देख सकते हैं। मैंने स्पेशली 3-4 डीमन लॉर्ड के बारे में बताया है। मतलब जो रैमरीज और मिलिम थे वो पहले की 3 डीमन लॉर्ड में से 2 थे। तो बेसिकली जब वहाँ पर आती है तो लोगों को लगता है ये कौन सी मतलब फेरी यहाँ पर आ गई है। तो बेसिकली उन्हें मतलब जब उन्हें बताता है वो कि मतलब ये डीमन लॉर्ड है एक, तो मतलब ज़्यादा शॉक नहीं होते हैं। जब उनसे पूछते हैं मतलब ज़्यादा शॉक क्यों नहीं हुए, तो बेसिकली उसे बताता है कि जो ड्रीम में जो ड्रैगन मतलब जिंदा हुआ था, स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा, तो मतलब उससे बहुत ज़्यादा शॉक मिल चुका पहले ही, इसलिए उसके एंट्री पर नहीं हुए शॉक। तो मतलब वो मजाक उड़ाती है कि मतलब वो कैसे आज़ाद हो सकता है, कि मतलब जब उसके टाइम में तो उसने बहुत नजर मारा था ड्रैगन को। तो बेसिकली जब वो रिमडू उसके पास ले आता है वेल्डोरा के पास, तो मतलब बेहोश हो जाते उसको देख के। तो बेसिकली वहाँ पर मतलब अपनी फूकियाँ मार रही थी वो फालतू की। तो रैमरीज वहाँ पर क्यों आई थी तो अभी तक बताया नहीं गया है मेरे अकॉर्डिंग। तो बेसिकली वो फार्म 3 डैम के मतलब बारे में बताने आई थी, जैसे हर बंदा उसको बता रहा था। तो कुछ और अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा, मतलब पूरा श्योर नहीं हूँ अभी तक। तो बेसिकली उसकी इंटरप्शन के मीटिंग को फिर से रिज्यूम किया जाता है। मतलब बेसिकली इसके 3 एपिसोड लगे इसको मीटिंग को मतलब ख़त्म होने में। तो इस बार वो बात करते हैं जैसे कि रिमरू ने मारे थे 20 साल लोग फार्म 3 डैम के, उसको कैसे कवर करेगी, कि मतलब वो नहीं चाहती मतलब जो पूरी दुनिया है उसके खिलाफ हो जाए। तो बेसिकली वो एक आइडिया लगाते हैं। तो वो मतलब उन्हें बताया कि लोगों की जो जितने भी मक्के सोल्जर्स थे वो अटैक करने वाले थे उसके किंगडम पे जो रिमरू का था। तो जो वहाँ का योमू था जो मतलब उसका दोस्त है बेसिकली जो फार्म 3 नया राजा बनने वाला है, तो उसने भी साथी और रिमरू की वजह से मतलब उन्हें हरा दिया है। तो बेसिकली वो वहाँ पर इंटरनल वॉर यानी कि सिविल वॉर कहना चाहते हैं फार्म 3 में, जिसकी वजह से योमू मतलब किंगडम का राजा बन जाए। तो बेसिकली सभी से एग्री करते हैं, लेकिन जो किंगडम के दौड़ का राजा था उसे पूछता है कि मतलब तो रिजॉल्व भी है मतलब वहाँ का राजा बनने का। तो बेसिकली क्या था कि मतलब उसके अंदर कोई रिजॉल्व नहीं है वैसे, पर बेसिकली रिमरू से मतलब कहा है बनने के लिए तो बनना चाहता है, क्योंकि बेसिकली जो उसकी लवर थी म्यूलेन उसने मतलब उसे बचाया था रिमरू ने, इसलिए बेसिकली उसकी मदद करना चाहता था वो, और बेसिकली उसको इम्प्रेस करने के लिए भी। तो यही था कि मतलब वो बन जाता है राजा के लिए, तैयार हो जाता है वो। तो इसके बाद सब अपना सपोर्ट दिखा रहा था रिमरू और उसको योमू को, लेकिन तभी जो एलयूडी था ग्रिमवॉल्ड वो बोलता है कि मतलब कैसे मतलब विश्वास करते रिमरू के ऊपर। तो बेसिकली वो जो वहाँ पे जितने भी लोग बैठते थे मतलब थोड़ा वो उठाता सवाल कि मतलब कैसे विश्वास करते डीमन लॉर्ड के ऊपर। तो बेसिकली रिमरू कहता है कि मतलब डीमन लॉर्ड मतलब ऐसे बेकार काम के लिए नहीं बना है। तो बेसिकली वो मतलब पीसफुल रहना चाहता था और मतलब जितने भी वहाँ के लोग थे उनके मतलब पीस की तरह मतलब उनके ज़िंदगी बिताना चाहता था। तो बेसिकली वो भी उसे इम्प्रेस हो जाता है, और जो सोसर डायनेस्टी थी वो भी मतलब रिमरू के जो देश के साथ अपनी रिलेशन बना लेती है। तो बेसिकली वो शायद 4th देश से मतलब उससे रिलेशन बनाए थे। एंड इसके बाद फाइनली जो मीटिंग थी वो ख़त्म होती है। तो बेसिकली 3 एपिसोड तक ये मीटिंग चली रही थी, मतलब बहुत लंबा खींचते हैं इस मीटिंग को वैसे, पर कोई नहीं मज़ा तो आ रहा है वैसे। तो इस एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखता है अपना लैपलेस और क्लेमैन। तो बेसिकली जो लैपलेस था वही अपना कैजारियन का प्यादा और बेसिकली जो यूकी का प्यादा है, क्योंकि बेसिकली जो ये कैजारियन यूकी के लिए काम करता है इसलिए लैपलेस भी यूकी के लिए काम करता है, क्योंकि आपको पता होगा जो उस गिल्ड मास्टर था ग्रैंड मास्टर। तो बेसिकली वो मतलब बात कर रहे थे मतलब कैसे जो उस पर वॉर करने वाला है वो यूजारियन के ऊपर। बेसिकली वो जो किंगडम था अपने डीमन और कैरियन का किंगडम था वो, मैं जो बेसिकली बीस्ट कीपर का किंग था जिसने किडनैप कर लिया था, तो वहाँ पर अटैक करके मतलब नष्ट करना चाहता था। तो बेसिकली रीज़न ये देने वाला था कि जो मैंने बताया था आपको फॉल पर्गिस को यूज़ करने वाले थे। तो फॉल पर्गिस में अपने बचाव के लिए ये कहने वाला था जो रिमरू था उसने बेसिकली म्यूलन को मतलब मार दिया है, मतलब उन्हें अभी तक ऐसा लगता है कि मतलब म्यूलन मर चुकी है, क्योंकि उसका जो हार्ट था उसने तोड़ दिया था, मतलब जो नकली हार्ट था उसका, और उसने एक और नकली हार्ट डाल दिया था। बेसिकली जो उसका पुराना नकली हार्ट था उसे कंट्रोल में था क्लेमैन के, इसलिए उसने मतलब तोड़ दिया था उसको। फिलहाल तो उसमें मतलब ऐसा लगता है जो लैपलेस वो दोस्त है क्लेमैन का, तो उसे वार्निंग देता है मतलब जो भी कर रहा है वो खुद कर रहा है या किसी ने उसे कंट्रोल किया है। तो बेसिकली मतलब उसे भी ऐसा लगता है कि उसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं सब कुछ कैजारियन कहने पे कर रहा है। बेसिकली कैजारियन था मतलब उसके ऊपर थोड़े एहसान थे क्लेमैन के ऊपर, इसलिए उसे काम कर रहा था, लेकिन उसे खुद भी ऐसा लग रहा था मतलब उसको कोई कंट्रोल कर, क्योंकि जो मिलियन थी बेसिकली जो मैंने आपको पहले बताया कि मतलब वो पहली 3 डीमन लॉर्ड में से एक थी, तो उसके बाद कैसे कंट्रोल कर सकता है, थोड़ा मतलब उसको थोड़ा अपने को इस तरह नहीं लेके आता है। और वो भी लास्ट परेशान थी उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, तो मेरे हिसाब से शायद उसे यूकी कंट्रोल कर रहा होगा या फिर कोई और डीमन लॉर्ड।
तो ये तो भाई पता नहीं है मुझे इस तरह, लेकिन इसमें मांगा बीच बीच से पड़े तो मुझे तो आप पता नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया जो टॉप 10 डीमन लॉर्ड थे वो 8 बन जाए आगे चल के। अगर आपको जानना क्या है तो आप कमेंट कर सकते हो, पिछले वीडियो देखना उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया। तो इसमें तो इतना ही था, तो मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावना रहा और सब्सक्राइब कर लो यार। करो खुद को लगा मैं आसमान में।